सी डिबेट होनी चाहिए, मतलब आपस में, मतलब ऐसा जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है, मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडियो बातें करते हैं। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस, इट्स माय थिंकिंग। हमारी जो 10-15 मिनट की गपशप हुई है, इसमें कोई एक मेरा मेरी बात ऐसे आप बताएंगे कि भाई ये बात से आपने गलत बात की, जो आपने फौज पे ज्यादा बजट लगता है, भाई आपको क्या तकलीफ है पाकिस्तान की, आपको क्या तकलीफ है? ये तो नहीं बोला आपने, बोला ना कि इतना बड़ा हमारा खरब खा जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने अगर ये बात की हो कि इतने खरब खा जाते हैं या इतना बजट लगता है, तो मैं ये इधर सॉरी भी करूंगा इन सर से भी और मीडिया के सामने भी। आप बैक करके देखिएगा, इन्होंने ये बात बर्मला कही है कि पाकिस्तान के एक्सपेंस होते हैं, डिफेंस लगता है। मैंने ये नहीं कहा इतना लगता है, आपको क्या तकलीफ है? आप कहो कि सेहत पे क्यों नहीं लगाते, आप कहो कि बरादरी, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है जो इंडिया का इलाका है, मेरा कद, मेरा सब कुछ है, मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं? इंडिया, हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो फिर अगर मैं आपको ये कह दूं, अच्छा आपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात किया, तो आप इंडियन एजेंट है, कैसा लगेगा? नहीं, आप बता रहा हूँ, मैं सुन लेना जो आप इसका देखें, पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी आप ऐसा नारा जिसके साथ आपके मजहबी सेंटीमेंट या जज्बात कहीं ना कहीं अटैच हो, पब्लिक मुंह बंद करके आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ती है, और उसमें एक बड़ा नारा ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है और हम वो 75-76 साल से लेके चल रहे हैं इस नारे को, वो इतने ज्यादा फैसिलिटी लेके भी गुर्बत का शिकार है। अच्छा, एज ए होल एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0% रह गई या 1.0? आपकी भूल है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी आप देखें, आप पूरे लाहौर में मुझे सलाम दिखा दें। अच्छा, नहीं ना, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने ये जो कब्जा ग्रुप है, 10-12 झुग्गियां लगाने से सलम नहीं बनता। आप पूरा दिल्ली देख लें, सलम से भरा हुआ, पूरा कलकत्ता सलम से भरा हुआ है। उसमें आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जाके पढ़े, वहां पे ये क्लियर थी कि पहले पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस कश्मीर से हटाए, इंडिया कम करे, फिर उसके बाद जो सा हम वोटिंग करवाएंगे या वोटिंग हो सकती है, तो वो ना हमने फिर उस तरीके से किया। नहीं, अगर अक्वामे मुत्तहिदा सीरियस हो तो खुद उस इलाके में आके वोटिंग करवा दे। असल में अमेरिका, इंडिया बड़ी पावर है, उसके रिलेशन अच्छे हैं, वो ऐसा होने नहीं देता। अफगानिस्तान में तो खुश असलूबी से रह लिया, जो हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई एक पाकिस्तान के अंदर कहीं पे, कभी बन्नू में कोई अटैक हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में कोई, उस चीज को क्यों नहीं, सुपर पावर है मतलब फोर्स के हवाले से तो कवर, मतलब सुपर पावर है तो हमारे पंगे भी सुपर है, टेंशन ना ले। हम पूरे इलाके के जागीरदार भी हैं। अच्छा जी, मतलब आपको लगता है कि पूरे इलाके के जो जितने भी कंट्रीज हैं डरते हैं हमसे? बेशक डरते हैं, इसीलिए तो वो हम पे हमला करते हैं। किसने हमला किया? अगर चार जंगों की बात करें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चार ही जंगें हुई हैं, तो उसमें पहले अटैक किसने किया? मुझे सारा पता है, मशरतेलूम भी मैंने पढ़ी हुई है, मैंने इंटरनेशनल मशरतेलूम भी पढ़ी हुई है। ये वाला आप सवाल ना करें, इससे मेरे वतन की उस पर आँच आएगी। पाकिस्तान में डिफेंस के हवाले से कहा यह जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फेमस है, मशहूर है कि भाई डिफेंस में पाकिस्तान अपना बड़ा बजट जो है वो लगा देता है। लेकिन आपसे अगर आज ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें, कौन से मेड इन पाकिस्तान है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान, चाहे टैंक्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, या जो इस तरीके से। लेकिन दूसरी साइड पर भी खबर यह है, इंडिया ने तेजस अपने जो उनसे फाइटर जेट हैं वो बनाए हैं मेड इन इंडिया, और अब वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 94 के करीब अभी जो उनसे उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शामिल करेंगे, आने वाले टाइम में मजीद करेंगे, और उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में होंगे वो मेड इन इंडिया। आपकी ये बात इतनी सही भी नहीं है। अच्छा। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने खालिद टैंक बनाया और उसके बाद एक एरोप्लेन इंडिया चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया, उसके बाद आपने देखा गोरी मिसाइल, फलाना मिसाइल, टमकाना मिसाइल। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है, यही वजह है कि जब आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया, तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। ऐसे ही आपने देखा ना, बल्कि इंडिया के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा 47% इन्फ्लेशन है, लेकिन अवाम में उसका टेंडेंसी नज़र नहीं आई कि अवाम रोडों पर नहीं, गुर्बत नहीं है यहाँ पर। वो यहाँ से चक्कर लगा के गए, लेकिन उनको वो देख के हैरान रह गए कि 40% इन्फ्लेशन वाला कंट्री जो है वो माशाल्लाह अच्छी तरह है। अब माशाल्लाह जब से नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान के बाद आए हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, IMF से डील की है। अब माशाल्लाह काफ़ी अर्थे से मुल्क में किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ रहे, घी का डाउन आ रहा है, चीनी का डाउन आ रहा है, देखा जाए तो आटे में थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, लेकिन एज ए होल
जो है हम काफी बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि कुछ दिनों से, मैं ये कह सकता हूँ कुछ महीनों से भी नहीं, कुछ दिनों से कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ जो सा कंट्रोल आया है, पेट्रोल की कीमतें सुनने में आया, कम हो रही है, लेकिन आपने बोला है इस एरिया की सुपर पावर है, ये चीज नहीं एक तो मुझे समझ आई, मतलब चाइना से आगे हम है या इंडिया से भी आगे इस टाइम हम, एक तो ये चीज, दूसरे नंबर पे आपने बोला कि मेरी बात गलत है कि भाई हम खालत टैंक हमने बनाया और इस तरीके से बनाया, तेरा है जो चाइना की 16 थंडर क्या नाम 16 F-17 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो देखें, वो हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है उस तरीके से। देखें इंडिया ने भी जो भी एरोप्लेन या कोई टेक्नोलॉजी हासिल की है वो एज ए होल खुद नहीं की। अच्छा, तेजस यानी कि उन्होंने किसी के कोलैबोरेशन, जाहिर है इस वक्त ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, तो एक दूसरे के आइडिया तो चोरी होते रहते हैं, तो पाकिस्तान ने भी जो कुछ हासिल किया है इंडिया से बेहतर है, उनके आर्सेनल जो है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो F-16 वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी है कैमरा में जो बनता है दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी से कम है। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनका GDP बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे आवाम बहुत बुरे हाल में है। अच्छा। अभी भी 33 करोड़ से ज़्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं, आपको शायद ये आइडिया नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है, पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें गैस की सप्लाई का सिस्टम मुकम्मल बहाल है, बिजली मुकम्मल बहाल है, पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, आपकी देखें अपनी ओपिनियन और आपकी बातों से लगता है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, नो डाउट मोहब्बत होनी भी चाहिए, लेकिन मोहब्बत इस तरीके से होनी चाहिए कि जो रियलिटी है उसको ही एक्सप्लेन किया जाए। वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन, आपने बोला बिजली का बुहरान नहीं है, आप क्या ये बात गारंटी से, या मैं ही आपके साथ चलूँ इधर 10 लोगों से पूछूँ बिजली यहाँ पे बिजली पर यूनिट रेट पता क्या चल रहा है 75 रेट अलहदा चीज है। अगर हमारे पास 34,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में बुहरान नहीं है। अच्छा। मसला तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है, कंपनी से ले रहे हैं, मसला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है बिजली जनरेट करने के लिए या सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब शॉर्टफॉल हुआ था तो हमें शॉर्ट टर्म वो बंदोबस्त करने पड़े थे, जैसे मियाँ साहब ने किए शॉर्ट टर्म बंदोबस्त, मीडियम टर्म बंदोबस्त, लेकिन लॉन्ग टर्म बंदोबस्त करने के लिए हमें वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। अब मियाँ साहब जब आए थे तो कहत पड़ा हुआ था, ठीक है, उन्होंने फौरन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम शुरू किए और ये जो महंगी वाली बिजली है ये सिस्टम में इंस्टॉल की, लेकिन उससे मुल्क का एक मसला तो हल हो गया, जो बिजली की लोड शेडिंग थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, बिजली की लोड शेडिंग थोड़ी कम है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आप लें साथ पर यूनिट और चीज है। दूसरे नंबर पे आपने बोला गैस का बुहरान नहीं है, मैं इसे टोटली आपसे डिसएग्री करता हूं, भाई घरों में सर गैस ही नहीं आ रही। सर देखें LNG के जो मुआहदे हैं उसके लिए पूरी दुनिया खुली है, अगर आपकी जेब में पैसे हो तो आप पूरी दुनिया से खरीद सकते हैं। ये मतलब इशू ये है ना कि पैसे हैं या नहीं, पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। मैं बताता हूं ये हुआ सब कुछ कैसे है, जब जो ही कोरोना आया पाकिस्तान के जो टर्म थी इंटरनेशनल वो दुनिया के ऑनलाइन होने की वजह से ख़त्म हो गई, जब नए टर्म इंटरनेशनल बने तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए था, उस फाइनेंस को बंदोबस्त करते हुए पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से इस सूरत हाल का हम शिकार हैं। ना इसका नवाज शरीफ जिम्मेदार है, ना इमरान खान जिम्मेदार है, बेसिकली कोरोना में जो बहरान पैदा हुआ था उसमें जो शॉर्ट टर्म जो नए रिलेशन बने थे उनके रिलेशन को सस्टेन करने के लिए डॉलर चाहिए थे और इस वजह से पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट का शिकार हो गया। इंशाल्लाह आप स्टेबल हो रहा है दिन ब दिन। और अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें उन्होंने रिलेशन उस टाइम पे बेहतर किए, अगर हम बात करें रशिया से ऑयल की, इमरान खान साहब ऑयल लेने गए लेकिन हम नहीं ले सके, अमेरिका का दबाव था या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन नेबर ने लिया, आप साथ लें साथ सूप भी लें। अच्छा यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगा सर से, देखें उन्होंने जो बात की अपनी जगह पर उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ पर अभी भी 35 करोड़ आपने बोला कि जिनको बिजली नहीं मुहैया हो रही इंडिया में, क्या आपने जी सही है, लेकिन वहाँ पे मेरी खबर के मुताबिक अगर मैं गलत हूँ देखने वाले भी बताएं या आप भी जाके थोड़ा सर्च करिएगा कि वहाँ पे 5 से 6 रुपए पर यूनिट बिजली मिल रही है। पर यूनिट होना और चीज़ है, दस्तयाब ना होना और चीज़ है, ठीक है, जो ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जैसे यूरोप है हर चीज़ $5 की है, 10-10 की है, लेकिन एक सिगरेट की डब्बी 5 की होती है, अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप 1500 कमाते हैं तो इंडिया में 700 कमा रहे हैं, इन्फ्लेशन जो फ़र्क डालती है वक्त उसको पूरा कर देता है, समझ गया ना, तो लोगों की बाइंग पावर भी कम है ना, ये इशू है। देखें इशू टू इशू बात करें, जो आपने सवाल किया वो ये था कि ये जो हम पर यूनिट पे कर रहे हैं, हम पर यूनिट एक बंदा 1500 भी तो मजदूर कमा रहा है ना, वहाँ पर मजदूर 600 कमाता है, तो इस तरह ये जो पर यूनिट रेट है इसको हमने कवर कर लिया हुआ है चीज़ों को महंगा करके, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अगर पर यूनिट की भी बात करें और अपना आपने बोला मजदूर 1500 कमाता है, मैं कहता हूँ मजदूर 3000 भी कमाता हो और वहाँ पे सिर्फ 1000 भी कमाता हो या 500 भी कमाता हो, फिर भी एक साइड पे 70 रुपए पर यूनिट ऑलमोस्ट 65-70 ऑलमोस्ट ठीक है और दूसरी साइड पे 5 रुपए 6 रुपए पर यूनिट, तो क्या आपको लगता है वो इतना ज्यादा फैसिलिटी लेके भी गुर्बत का शिकार है? अच्छा, एज ए होल एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0% रह गई है, 1% आपकी भूल है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी देखें, आप पूरे लाहौर में मुझे सलाम दिखा दें। अच्छा, नहीं ना, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने ये तो कब्जा ग्रुप है, 10-12 झुग्गियां लगाने से स्लम नहीं बनता। आप पूरा दिल्ली देख लें, स्लम से भरा हुआ, पूरा कलकत्ता स्लम से भरा हुआ है, पूरा उनके शहरों के शहर, कराची से बड़े बड़े शहर उनके स्लम से भरे हुए हैं, तो वहाँ पे गुरबत डांस शहर, मतलब आपने कलकत्ता हाउस ऑफ स्लम, दिल्ली हाउस, जहाँ पे भी उनके बड़े शहर है ना, आधे से ज्यादा उनका जो शहर है ना वो गुरबत पे मबनी है। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे ना, कराची की सिचुएशन देखें, कराची की नहीं थी लेकिन कराची में भी 25% स्लम नहीं है, कराची में भी आपको 5-6% मिलेंगे एज ए होल। लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी इवन चाइना में चले जाएंगे, वहाँ बहुत सलाम है। अच्छा। तो पाकिस्तान इस इलाके का खुशहाल तरीन इलाका है, माशाल्लाह आप देखें पंजाब कितना तरक्की याफ्ता है। डिफॉल्ट की जो खबरें आती हैं, इसका मतलब ये सब झूठ? डिफॉल्ट अमरीका नहीं होने पर था, डिफॉल्ट का मतलब है कि आपने अपनी आवाम की खिदमत करते हुए उन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। देखा जाए तो डिफॉल्ट पॉलिटिशियन ने भी ऐसे किया कि आवाम की खिदमत करते हुए ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जिसकी वजह से डिफॉल्ट। देखें अभी खुशहाली आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ फकीरों के कपड़े देख लें आप। खुशहाली की बात करें, इंडेक्स जो सा इंटरनेशनल इंडेक्स है उसके मुताबिक हम बहुत ही नीचे आ रहे हैं, डिप्रेशन में यहाँ पे लोगों की जो सा वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे लोगों की खुदकुशी करने की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आबादी भी तो बहुत ज्यादा है ना, आबादी हमारी हमारी 25 करोड़ आबादी होगी दुनिया में, अगर बात करें या नेबर की जैसे हम बात कर रहे थे वहाँ पे तो तकरीबन 1 अरब और 40 करोड़ के करीब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एज ए होल पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खुशहाल है। इस बुरे मुकदमे जो इमरान खान के दौर से शुरू हुआ था, कोरोना फिर स्मोक वगैरह मुख्तलिफ मनहूस चीज़ें आई थी, उनको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से तरीके से कवर कर लिया, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर अब ब्राइट है। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, लेकिन वो फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हम देखेंगे अपनी मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। नो डाउट इनकी बातों से ये क्लियर है कि ये पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। आंकड़े हैं, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिबेट हो जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा उस तरीके से बात करूंगा, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपकी ओपिनियन ली जाए। अगर मैं आपको ये गारंटी से कहूँ, आपने बोला नहीं है, मैंने जब बोला 0.1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंडिया में रह गई है, नहीं, है आपको ये गारंटी से, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट। देखें इंडिया तरक्की करे हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा होना, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे वहाँ पे भी तरक्की हो, वहाँ पे भी आवाम, देखें जब जमहूरी दौर होते हैं, आपने देखा होगा डेमोक्रेसी दौर होते हैं, तो सब एक दूसरे का अच्छा जान चाहते हैं, जैसे आपने देखा वाजपेयी नवाज शरीफ से मिले, फिर मोदी नवाज शरीफ से मिले, वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल मिले, लेकिन फिर भी रिलेशन नहीं बेहतर हो रहे। रिलेशन बेहतर नहीं इसलिए नहीं हो रहे कि पाकिस्तान जो है ना वो जियोग्राफिक सिचुएशन का शिकार है, मतलब पाकिस्तान दर्रा खैबर की हब पे है, जिसकी वजह उसने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को रोकना है यहाँ पे बनकर, ठीक है, तो पाकिस्तान जब तक यहाँ पे इस्लाम रहेगा ना तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का रास्ता रुका रहेगा। जो ही हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई या हम एक जहन के मालिक हो गए तो उनकी दीवार ख़त्म हो जाएगी और वो गर्म पानियों तक पहुंच जाएंगे। अब पाकिस्तान बनाने का मेरे हिसाब से मकसद ही गर्म पानी तक ना जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने बोला सोशलिज्म या कम्युनिज्म की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें, क्या वो इस्लाम से लिंक करती है? 100% लिंक करती है। अच्छा, यानी कि ये एक शरी निज़ाम होता है और एक जमहूरी निज़ाम। मैं दीन तो नहीं हूँ, लेकिन जैसी पॉलिसियाँ अच्छी इस्लाम की हैं ऐसी ही अच्छी पॉलिसियाँ डेमोक्रेसी की हैं, तो दोनों कैपिटलिज्म को टच करती हैं, कैपिटलिस्ट दोनों कैपिटलिस्ट टाइप हैं। अच्छा लगा बात करके, और यहाँ पे जिनकी ओपिनियन थी आप, मैं उनसे कुछ बातों से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनको पूरा राइट है कि वो अपनी बात करें, आप ही इस हवाले से कमेंट में जरूर बताइएगा। सर लास्ट में मुझे बता दें, यूथ के हवाले से मैं अपनी अगर बात करूँ या दूसरे जो नौजवान हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि हम उन चीज़ों से अवेयर हैं? क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया जितनी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी में हो, IT में हो या कहीं पर भी, पाकिस्तान की यूथ उतनी अवेयर है? क्या हम क्या कहेंगे? देखें जो जो टेक्नोलॉजी यूरोप में है ना, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं, वो यहाँ आ जाती है,
दो साल बाद आए, चार खुद नहीं ना बनाते, आ जाती है। देखें आपने खुद, हम खुद बनाएंगे तो शायद हम बहुत पीछे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बना लें। उनके पास से हमें लेटेस्ट मिलती है, चाइना हमारे साथ है, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूरोप की टेक्नोलॉजी, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की मिल जाती है। भाई उसकी वजह एक ये भी है कि हम उनका हिस्सा हैं, उनके पार्टनर हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ इमदादों की मद में, मुख्तलिफ कंटेनरों की मद में यहाँ पे के उनका लंडा किसी ना किसी तरह पहुँच जाता है और हम उसको इंजॉय आखिरकार कर ही लेते हैं। हमें वर्क करने की उस तरीके से जरूरत नहीं है आपका? नहीं है, हमें सुपर पावर माशी तौर पे ही बनना है। इंशाल्लाह मियां साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी बनाया, कोई भी लीडर आए, कोई भी लीडर आए से बढ़ के कोई नहीं। शाहिद का कबान बाकी आया था उसने क्या कर लिया, इमरान खान आया था उसने क्या कर लिया, शहबाज शरीफ आए थे उन्होंने क्या कर लिया, लेकिन मियाँ साहब भी तो तीन दफा आए थे, फिर उन्होंने क्या कर लिया? मियाँ साहब ने पाकिस्तान को मोटरवे से जोड़ दिया, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया, उन्होंने पाकिस्तान का ये जो फॉरेन डेट रिजर्व है ये 22-23 अरब डॉलर करके गए थे। उसके अलावा वो जब भी आए अव्वल तो उन्हें काम करने नहीं है, लेकिन जब वो काम करते हैं। एटॉमिक पावर वाला प्रोजेक्ट है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का था और उसके बाद मियाँ साहब के दौर, छुपा के रखना भी हिम्मत का काम है, एक्सप्लोर करना भी हिम्मत का काम है। तो शो करना, हाँ, तो जिसने बनाया वो भी हिम्मत का काम, जिसने 10-20 साल छुपाया वो भी हिम्मत का काम, और जिसने एक्सप्लोर किया वो भी हिम्मत का काम है। आपको पता ही है किस वक्त उनका धमाका हुआ था, क्या ज़रूरत थी। तो माशाल्लाह मियां साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उस वक्त दुनिया को बता दिया कि हम भी दुनिया में हैं। तो उस वक्त से पाकिस्तान का नाम पता नहीं कहाँ कहाँ जाना जाता है, पहले जाना ही नहीं जाता था। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में सिर्फ एक सवाल और एक ही लाइन में आप उसका अगर जवाब, मुझे तो मेरा दिल कर रहा है इनसे मज़ीद बात की जाए, लेकिन डेफिनेटली वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और वो उस तरीके से मतलब 5-10 मिनट की बात बेहतर होती है। मुझे लास्ट में इस टाइम अगर डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात करें, इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल क्या कहेंगे पाकिस्तान पूरे एशिया में कितने नंबर पे आ रहा है डेवलपमेंट के एवरेज के हवाले से? इंडिया की बात कर लें, चाइना, एशिया में तो बड़े बड़े जॉइंट हैं, जापान है बहुत आगे है। तो सुपर पावर बोला ना मैं, नहीं अपने अपने शोबों में पाकिस्तान अगर आप कह रहे हैं बाय फोर्थ सुपर पावर है, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पे आए दिन जो मामला होते रहते हैं, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? और जो हमारे घर में, हमारे घर ने अफगानिस्तान में बम क्यों नहीं फेंका, एटम बम क्यों नहीं फेंका? भाई चीज़ों को खुशसलूबी से हल करना होता है, हर चीज़ का रिजल्ट ये नहीं होता कि आप उन्हें मार दो। अगर अमेरिका ने या रशिया ने अफगानिस्तान में आया था तो एक बम गिरा के अफगानिस्तान का किस्सा खत्म कर देता, इसी तरह अमेरिका आया था वो अफगानिस्तान में बम गिरा के, पाकिस्तान भी उसको इस तरह टैकल नहीं कर सकता कि उनको खत्म ही कर दे। रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म नहीं था ना करना, उनकी तो आपस की जंग थी, वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, अफगानिस्तान तो उन्हें एक प्लेस मिली थी, ग्राउंड मिली थी। व्हाटएवर हमने खुशसलूबी से रहना है, ठीक है, छोटे मामला को वैसे हल करना है। अफगानिस्तान में तो खुश असलूबी से रह लिया, जो हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई एक पाकिस्तान के अंदर कहीं पे, कभी बन्नू में कोई अटैक हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में कोई, उस चीज को क्यों नहीं? सुपर पावर है मतलब फोर्स के हवाले से तो कवर, मतलब सुपर पावर है तो हमारे पंगे भी सुपर हैं, टेंशन ना ले, हम पूरे इलाके के जागीरदार भी हैं। अच्छा जी, मतलब आपको लगता है कि पूरे इलाके के जो जितने भी कंट्रीज हैं डरते हैं हमसे? बेशक डरते हैं, इसीलिए तो वो हम पे हमला करते हैं। किसने हमला किया अगर चार जंगों की बात करें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चार ही जंगें हुई हैं, तो उसमें पहले अटैक किसने किया? मुझे सारा पता है, मशरत आलम भी मैंने पढ़ी हुई है, मैंने इंटरनेशनल मशरत आलम भी पढ़ी हुई है। ये वाला आप सवाल ना करें, इससे मेरे वतन की उस पर आँच आएगी। आप कोई और सवाल देखा, यानी कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, मैं भी आप मेरे में भी आप जैसी फीलिंग है, मैंने व्लॉग देखे हैं जिनमें इंडिया प्रो बातें होती हैं, आप मेरे मुंह से इंडिया प्रो ना ही निकलवाएं तो बेहतर है। नहीं आप सच बोले ना, देखें ये तो आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, आपकी गुफ्तगू से पहली जो मेजर वायलेशन है ना वो इंडिया की तरफ से ऐसे हैं कि जैसे उसने कश्मीर जो है वो जो बेसिक उसने कब्जा किया था ना वो कब्जा उसका था, अच्छा। बाद में छुड़ाने के लिए हमने पंगे लिए, वो अकेला इशू है, लेकिन जो बड़ा पंगा इंडिया ने लिया ना वो कश्मीर पे कब्जा करके, फिर अकवामे मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन थी उन पे, हाँ जी उस पे उसने अमल नहीं किया, ठीक है, बड़ा मुजरम तो इंडिया है, पाकिस्तान उसको हासिल करने के लिए छोटे मोटी अगर कोशिश करता है तो वो जंग का रूप इख्तियार कर लेती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि वहाँ पे रेजोल्यूशन पेश करवाए, अभी भी इतने तो ये ओपनली कहते हैं, अब इंडिया वाले तो ओपनली कहते हैं हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, वो तो कहते हैं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी बात की है कि भाई किस बुनियाद पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई हमने जो उनसे कब्जा किया, महाराजा की अगर बात करें जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने खुद जाके साइन किया, ठीक है, लेकिन अब कौमी में एक बात हो गई कि इस मसले को जैसे पाकिस्तान बना था वोटिंग के जरिए हल होना है,
तो फिर कश्मीर को भी वोटिंग के जरिए हल कर लेना। आपको पता है क़वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस में ये चीज़ भी क्लियर है, मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर है कि ये वोटिंग वहाँ पे तभी हो सकती थी। अब तो वो मानते नहीं, खैर लेकिन अब इंडिया के इखलाकियात पे चले, इंडिया इखलाकियात पे चल रहा है। ये चीज़ अगर मैं पहले क्लियर कर लूँ, आपने बोला ना वोटिंग क्यों नहीं हो रही, तो उसमें आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जाके पढ़े, वहाँ पे ये क्लियर थी कि पहले पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेज कश्मीर से हटाए, इंडिया कम करे, फिर उसके बाद जो सा हम वोटिंग करवाएंगे या वोटिंग हो सकती है, तो वो ना हमने फिर उस तरीके से किया। नहीं, अगर अक्वामे मुत्तहिदा सीरियस हो तो खुद उस इलाके में आके वोटिंग करवा दे। असल में अमेरिका, इंडिया बड़ी पावर है, उसके रिलेशन अच्छे हैं, वो ऐसा होने नहीं देता। पाकिस्तान तो कैसे सुपर पावर, हम किस मामले में, हम बाई फोर्थ हैं, हम बाई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे रवाबित और तरह के हैं उनके, और फॉरन पॉलिसी हमारी उस तरह तगड़ी नहीं है जितना उनकी है। इसलिए अगर अभी भी फर्ज करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तगड़ी हो और पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत मुल्क हो, तो एक मिनट की बात है इंडिया हमें गिफ्ट कर देगा वो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आज अगर वहाँ पे इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, मैं कहता हूँ इंडिया साइड को एक मिनट के लिए छोड़ दें, इंडिया साइड कश्मीर को, पाकिस्तान साइड कश्मीर में अगर इलेक्शन हो, क्या आपको लगता है कि लोग यहाँ पाकिस्तान के साथ मतलब वोट करेंगे, जो वहाँ पे खंबे उखाड़ते ही वो यहाँ है, आधा कश्मीर पाकिस्तान में रहता है, वोट क्यों नहीं करेंगे वो? पता है खंबे उखाड़ के फेंके थे उन्होंने पिछले भाई जान, वो आप पॉलिटिकल बातें ना करें, ये अवाम, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो अवाम बेवकूफ है। इमरान खान ने कोई भी माशी अचीवमेंट हासिल नहीं की, लेकिन सब बेवकूफ उसके साथ है, ठीक है। अब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई बंदा परफॉर्मेंस दिखाए तो आम उसके साथ हो, वो सिर्फ बातें करता रहा और आवाम को साथ लगा लिया। इतनी बेवकूफ आवाम है, जिस मर्जी को जब मर्जी बेवकूफ बना लो। एक मीडिया, इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी आप ऐसा नारा जिसके साथ आपके मजहबी सेंटीमेंट या जज्बात कहीं ना कहीं अटैच हो, पब्लिक मुंह बंद करके आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ती है। और उसमें एक बड़ा नारा ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है और हम वो 75-76 साल से लेके चल रहे हैं। इस नारे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो एक अलहदा फैक्टर है, लेकिन इस नारे को, कश्मीर के नारे को हम लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं किया। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, लास्ट में सर ऐसी डिबेट होनी चाहिए मतलब आपस में, मतलब ये ऐसा जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है, मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडियो बातें करते हैं, हालांकि इंडिया से दोस्ती अच्छी चीज़ है, मैं खुद राइटर हूँ। आप भी इंडिया के एजेंट हुए, जो जैसे जात बरादरी, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है जो इंडिया का इलाका है, मेरा कद, मेरा सब कुछ है, मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए? इंडिया, हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो फिर अगर आप, मैं आपको ये कह दूं, अच्छा आपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात किया, तो आप इंडियन एजेंट है, कैसा लगेगा? नहीं, आप बता रहा हूँ, मैं सुन लेना जवाब इसका। देखें, स्पेशल एजेंडे पे निकलना और बात है, अपनी राय रखना और बात है। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस, इट्स माई थिंकिंग। हमारी जो 10-15 मिनट की गपशप हुई है, इसमें कोई एक मेरी बात ऐसे आप बताएंगे कि भाई ये बात से आप ने, आपने गलत बात की, जो आपने फौज पे ज्यादा बजट लगता है, भाई आपको क्या तकलीफ है पाकिस्तान की, आपको क्या तकलीफ है? ये तो नहीं बोला आपने, बोला ना कि इतना हमारा खराब खा जाते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने अगर ये बात की हो कि इतने खराब खा जाते हैं या इतना बजट लगता है, तो मैं ये इधर सॉरी भी करूंगा इन सर से भी और मीडिया के सामने भी। आप बैक करके देखिएगा, इन्होंने ये बात बर्मला कही है कि पाकिस्तान के एक्सपेंस होते हैं डिफेंस लगता है, मैंने ये नहीं कहा इतना लगता है। आपको क्या तकलीफ है? आप कहो कि सेहत पे क्यों नहीं लगाते, आप कहो कि मैंने ये नहीं कहा कम लगे, मैंने ये कहा लगे इससे ज्यादा भी बेशक लगे, अगर लगे तो उसकी मेड इन पाकिस्तान हो। बात यहाँ से शुरू की, भाई पाकिस्तान में हमारे जो सा वो बने, फाइटर जेट्स बने पाकिस्तान में, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बने, फिर मैं कहूँ की भाई ये देखें ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा चीज है। ये देखें, जो भी बजट है हमारा, जो भी हमारी फौज है, दुश्मन मैली आंख से बुरे वक्त में देख नहीं सका, बहुत बड़े बहरानों से हम निकले हैं इसमें को, इस बात हाँ कोई शक नहीं है। जी जी, और हम तो 75-76 साल में रही बुहरान का शिकार। नहीं, वो आप एज ए जब अपने आप को कौमी लीडर फील करते हैं तो फिर ये आप में फीलिंग आ जाती है, जब आप प्योर पाकिस्तानी होंगे कि हम बुहरान का शिकार हैं, हम मसाइल का शिकार हैं, लेकिन अवाम जी रही है, बेचारी को पता ही नहीं बुहरान क्या होता है, बेचारी को पता नहीं कैफियत क्या है। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत बेहतर है, आप मार्केटें देखें, अस्पताल देखें, जहाँ जाएंगे रश ही रश है, अस्पताल में भी रश है, इसका मतलब है बेहतर है। मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सर से ज्यादा बात करूंगा तो एक टैग मेरे पे पहले लग गया, दूसरा भी शायद कोई लग जाएगा, इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको चाहे मेरे से बात करके अच्छा लगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा, कोई मतलब ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए, नहीं हो आपके ख्याल से ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए? डिबेट होनी चाहिए, हुई तो कहते हैं हुसन है मुआशरे का, सोसाइटी का, के देखें एक दूसरे के पॉइंट को समझें।